पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है, मन्नतें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भारत विश्व कप जीते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल मैच है, लेकिन उस मैच में भारतीय टीम दमदार प्रदर्शन करे और एक तरफा जीत हासिल करे। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें हैं दिल्ली की, हम फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे एक ऑटो खड़ा है और ऑटो पे क्या लिखा है, आओ हम सब मिलकर दुआ करें तभी जीतेगा हमारा देश भारत। इसके अलावा ये भी लिखा है, भारत को वर्ल्ड कप जीतने पर एक दिन की फ्री सेवा। तो ये अगर भारत विश्व कप जीत जाता है तो एक दिन जो भी यात्री इस ऑटो में सफ़र करेंगे उनके लिए मुफ्त जो यात्रा रहेगी वो रहेगी। जो चचा है इसके ड्राइवर है उनसे हम बात करेंगे और क्या सोचकर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए क्या सोचकर आपने ये लिखा है। ये देश मेरे दिल की धड़कनों में बसा है, ये भारत की जीत की खुशी में लिखा है मैंने। ये भारत इंशाल्लाह जीतेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए किसका प्रदर्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अब तक जो विश्व कप में मैच हुए हैं उसमें आपको सबसे बढ़िया प्रदर्शन आपको किसका लगा? बॉलर में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इनकी बॉलिंग अच्छी लगी है। हाँ, और बल्लेबाजी में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इनकी। शमी जब बोल्ड मारते हैं तब फिर ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर कैच आउट जब करवाते हैं? उनका बोल्ड मारने पर अच्छा लगता है। जी ये बताइए, एक दिन आप फ्री सेवा रहेगी इसकी और तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, ये देश मैंने बोला ना, देश दिल में बस रहा है। हाँ। इस भारत जीत की खुशी में, खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जी दिन भर तो आप ऑटो चलाएंगे तो कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे मैच? मैच मोबाइल पे देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, ड्राइविंग करते करते देख लेंगे, देख लेंगे। और कुछ तो हर वक्त तो गाड़ी नहीं चलती, रुकेगी गाड़ी कहीं पर तो देख ही लेंगे। जी कल का मैच होगा, आपको क्या लगता है कौन सबसे बढ़िया प्रदर्शन वो करेगा? कल के मैच में देखो, अभी तक तो सारे खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और बॉलिंग में? बॉलिंग में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। आप कुछ कहना चाहेंगे, देश भर से और भी लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है ना, आओ हम सब मिलकर दुआ करें। बस मेरी गुजारिश है कि दुआ करें कल का मैच हम जीत जाएं, हमारी भारतीय टीम जीत जाए। एक तरफा मैच जीतेंगे भारत? नहीं, मैच टक्कर का होगा जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी वो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और हमारी टीम जो है 2 बार की है। इंशाल्लाह कल 3री बार जीतेगी। जीती इंशाल्लाह। शाहिद जी हैं जो दुआ कर रहे हैं साफ तौर से। लेकिन ये बड़ी जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जिसके चलते अगर भारत जीतेगा तो दिन भर जो भी ये यात्रा कराएंगे, जो भी यात्री इनके ऑटो में सफ़र करेंगे उनके लिए फ्री की सेवा इनके तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कुछ कहना है, कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात कर लेंगे। क्या नाम है भैया? हिमांग शर्मा। क्या लगता है कल के मैच में क्या होगा, क्या उम्मीद है आपको भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में, फाइनल मुकाबले में? एक तरफा हमारा भारत जीतेगा, ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि हम फाइनल अब 3री बार खेलने जा रहे हैं और फिर जीतेंगे हम। किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, अब तक तो प्रदर्शन अच्छा रहा है टीम का, आपको किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है एज ए फैन? आप किसके हैं? फैन तो हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, पूरी इंडिया टीम के हम फैन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, भारत बिल्कुल जीतेगा और सबके सभी बहुत धुरंधर प्रदर्शन करेंगे कल, इतना हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है हमें इस चीज़ का कि एक तो अपनी भूमि पर मैच है, नया स्टेडियम है, सब कुछ है, तो जीत हमारी होगी पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भरोसा, जो उम्मीद फैंस लगा रहे हैं और हम सब भी यही चाहते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एक बार फिर से चैंपियन बने, 3री बार विश्व कप का खिताब जीते भारत। और जो बड़ा मुकाबला है वो कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि मैच कैसा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं टक्कर का होगा, कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कैसा मैच होता है। लेकिन उम्मीद सब लोग यही लगाए हुए हैं कि भारत मैच जीते और एक बार फिर से विश्व चैंपियन बने। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ दिव्यांक तिवारी, ABP News दिल्ली।